चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कुवैत में, जैसे कि यहाँ पे बहुत से बंदे काम करते हैं हेल्पर वगैरह, और भी हमारे कंट्री के हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, और भी यहाँ पे कुछ इजिप्शियन भी यानी कि मसर के रहने वाले हैं, और वो लोग जो घर में बात करते हैं ना, किस तरीके से बात करते हैं और उनका माइंड कैसा होता है, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इनका माइंड जो कि माइंड सेट होता है वो कैसा होता है। और यहाँ पे यार ये लोग बदतमीजी से बात करते हैं घर वगैरह को। और चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग कुवैत में आए तो आप लोग प्लीज यार अपनी फैमिली वगैरह से अच्छे से बात कीजिए, क्योंकि यार इस तरह का माइंड जो होता है ना, मैंने देखा है कि मेरे रूम के बगल के यानी कि रूम है दूसरा वाला, वहां पे मसले लोग रहते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। भाई आप लोग देख सकते हो मैं उसके पास आ चुका हूँ और थोड़ा दूर से मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो देखेगा ना काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे यार इस तरीके से लोग बात करते हैं अपने घर पे, आप लोग देख सकते हो बहुत ही बुरी तरीके से। और गैस आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे इनका रूम होता है, और ये लोग मसरी रहते हैं, इनका जो रूम है मसरी का रूम है। भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा ये भाई थे किस तरीके से बात कर रहे थे, इनकी उम्र लगभग 55 साल या 50 साल है, तो काफी इनको प्रॉब्लम हो चुकी है यानी कि माइंड लेवल प्रॉब्लम हो चुकी है। और यहाँ पे ये काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लगभग ये 300 दिनार या 350 दिनार कमा रहे हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये भाई अच्छे तरीके से घर बात नहीं करते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ इतना ज्यादा मोबाइल वगैरह पटकने लगते हैं ना, जैसे कि अभी ये मेरे पास मोबाइल है आप लोग देख सकते हो, और अभी मैं घर बात करते करते कभी मोबाइल को पटक दूं तो भाई इसका मतलब है कि मेरे अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, अभी मुझे इलाज की जरूरत है। तो ये भाई लोग ऐसे हैं, मेरे रूम के बगल में दो बंदे रहते हैं, तो वो लोग मसर के रहने वाले हैं यार, वो इतना ज्यादा बात करते हैं ना, इतना ज्यादा ऊंची आवाज में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यार। मैं बस आप लोग को इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग जब भी कुवैत आए या आप लोग किसी भी कंट्री जाएं, अपना घर वगैरह छोड़कर नेपाल, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री रहने वाले, ये नहीं मैटर करता भाई, यहाँ पे जब भी आप लोग काम करने के लिए आओगे ना, आपको यहाँ पे कभी कभी काम के बारे में यानी कि काम से जैसे आप लोग काम करोगे ना, काम का टेंशन रहेगा, जो भाषा मेरी बोलने की है वो काम का टेंशन रहेगा। तो आप लोग घर में कभी भी इस बात पर कभी न उतारना, जैसे कि मैं देखता हूँ कभी कभी काम में क्या टेंशन आ जाता है, वो लोग घर फोन करते हैं और घर में छोटी छोटी बात की वजह से यार वो लोग काफी ज्यादा एकदम बोलते हैं बात का तौकड़ा बना देते हैं, यानी कि काफी ज्यादा मूड खराब रहता है वो लोग का, और बाद में वो लोग पछताते हैं। तो इस तरह से आप लोग जब बात करोगे ना घर में, तो भाई आप खुद तो दुखी हो ही हो, आप तो खुद दुखी हो, फिर उसके बाद अपने फादर, माता पिता, जो भी बहन वगैरह, सिस्टर वगैरह, वाइफ वगैरह को बात करोगे, फिर उनके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल दोगे, तो आप लोग को यार तो अच्छा लगता नहीं, फिर बाद में उनको भी बुरा लगेगा। क्योंकि जब भी आप अपना यानी कि गुस्सा किसी को उतारोगे ना, आप तो कंट्रोल में रहोगे नहीं, ये तो 100% गारंटी आप कंट्रोल में नहीं रहोगे। फिर उसके बाद जब पूरी बुरी तरह बुरा यानी कि कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी आपके दिमाग में आएगा, बुरा भला सब कुछ बोल दोगे। आप लोग तो भाई बाहर कंट्री में रह रहे हो, आपको क्या भाई वहां पे अपने जितने भी रिश्तेदार रहते हैं सोचेंगे भाई इसको क्या हो गया, पागल सा हो गया, काम कर रहा है क्या है। तो प्लीज यार आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, आप लोग कभी यार यहाँ पे आइए, पूरा ईमानदारी से काम कीजिए, और आपको टेंशन रहेगा तो क्या बहुत बड़ा काम है यार टेंशन लेना, एक छोटा सा टेंशन, जैसे अभी आप लोग काम कर रहे हो कंपनी में और कुछ घट गया, मान लेते हैं आपकी सैलरी कट हो गई, तो उसमें क्या टेंशन लेने की जरूरत है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। मान लेते हैं अगर मेरी सैलरी कट गई है, मेरी सैलरी कट गई 20 KD और 10 KD मान लेते हैं, बस एग्जांपल के तौर पे मतलब बताना चाहता हूँ आप लोग को, तो मुझे उसमें टेंशन लेने की जरूरत क्या है, और मुझे एक्शन भी लेना है, जैसे कि मैं टेंशन लेने के बजाय मुझे एक्शन लेना है, मेरी सैलरी क्यों कटी, उसके बाप के पास जाना जो कंपनी का है मैनेजर रहेगा, तो उसके बाप के पास जाना है कि भाई तुमने मेरी सैलरी क्यों काटी, मैं यहाँ पे डेली ड्यूटी आता हूँ, तुमने मेरी सैलरी काटी क्यों, मुझे बदवा भी दीजिए, आपने अगर कुछ गलती रहेगी तो भाई बात अलग है, लेकिन अगर सैलरी नहीं काटेगा भाई उनको खुद जाना है, आपको डरना नहीं है। जब भी आप लोग कुवैत में आए, किसी भी कंट्री में जाए, सऊदी, कतर, ओमान, भाई डरना नहीं, यहाँ पे आपको डर के नहीं काम करना है, यहाँ पे आपकी एम्बेसी आपका साथ देने वाली है। ऐसा मत समझना कि भाई हम इंडिया में नहीं तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बस यहाँ पे आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करना है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आए हैं तो हम कोई भी ऑनेस्टी के साथ नहीं काम करते हैं, चोरी करते हैं, चमारी करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है भाई, ये सब जुल्म होता है। आप लोग भाई एक जो भी बंदे होते हैं ऑनेस्ट वाले, वो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, फिर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। मैं देखता हूँ जब वो लोग पैसा ज्यादा हो जाता है ना, किसी गरीब वगैरह खाना भी दे देते हैं, मैं देखता हूँ, तो आप लोग की सोच ऐसी होनी चाहिए। आप लोग प्लीज यार जब भी कुवैत में आए तो आप लोग कभी भी अपने घर वगैरह को दूसरे यानी कि गाली वगैरह मत दीजिए। मैं देखता हूँ यार, मैं सोचा कि कुछ नहीं तो यार वीडियो बनाते हैं, ताकि हमारे भाई लोग जितने भी कुवैत में आना चाहते हैं, और मैंने पहले भी देखा था कि यहाँ पे हमारे भाई लोग इंडिया, बांग्लादेश के रहने वाले थे, मैंने दो बंदों को जानता, वो लोग भी काफी गुस्से में बात करते थे, तो मैंने सोचा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं इतना ज्यादा, अपने बीवी वगैरह को, अपने बच्चे वगैरह को गुस्सा है क्यों यार, इतनी छोटी सी लाइफ में यार अपने को बुरा क्यों बोलते हो, मेरे समझ नहीं आ रहा है। चलिए मान लेते हैं गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा बहुत आता है, काफी ज्यादा आता है, लेकिन मैं अपना गुस्सा किसी के ऊपर नहीं उतारता हूँ, क्योंकि गुस्सा उतारना क्या अच्छा लगता है किसी के ऊपर, इससे अच्छा गुस्सा को कंट्रोल करो, फिर उसके बाद सीखो कि मैं गुस्सा क्यों किया हूँ।
लाइफ में यार कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा मत होता ना यार। हम लोग यहाँ पे जॉब करते हैं फॉरेन कंट्री में, अरब कंट्री में, और यहाँ पे हमारी डेली सुबह में जाते हैं, रात को आते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, घर वगैरह बात करते हैं, हमारी ये डेली लाइफ है। तो भाई डेली लाइफ में अपना क्यों खराब करना चाहते हैं? हम सोचते हैं कि हमारा दिन अच्छे से जाए, अच्छे जॉब करें। जब मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग मसरे लोग आते हैं, जैसे यहाँ मेरा रूम है बगल में, यानी कि दूसरे मसरे लोग रहते हैं, तो लोग वो लोग जब रात में 8:30 बजे आते हैं ड्यूटी से, वो लोग काफी आवाज में हेलो हेलो करके बहुत ज्यादा आवाज, यार वो काफी ज्यादा आवाज में बात करते हैं, यानी कि वो गुस्से में बात करते हैं, काफी ज्यादा आवाज में नहीं। और जब वो लोग ड्यूटी में होते हैं ना, ऐसा लगता है कि इनसे समझदार कोई है ही नहीं। और मेरे साथ वो लोग काम करते हैं, यानी कि कुछ सुपरवाइजर है, यानी कि मेरे सुपरवाइजर नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर है, तो वो लोग बात करते हैं। और जब मैं देखता हूँ यार ये लोग इस तरीके से अभी नॉर्मल है, अब जब वो लोग रात में बात करते हैं घर में, वो लोग बेनॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि एबनॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से हटके दूसरा वाला आता है ना, तो उस तरीके से यानी कि अपनी जो औकात होती है वो हटा देते हैं, औकात खो देते हैं, तो घर में बात करने टाइम। और कभी कभी वो लोग घर में अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है 50-50% चांस रहता है कि वो लोग कभी घर में अच्छे से बात करते हैं, कभी घर में अच्छे से नहीं बात करते हैं। बाद में यार वो लोग यार वो तो सोचते हैं कि भाई हम ऐसे ही हैं, हम बहुत बुरे इंसान हैं, वो तो है ही है। बाद में आपको दूसरे भी बोलने लगे कि आप बहुत ही बुरे इंसान हो, प्लीज यार आप लोग ऐसा मत करना। तो चलिए आज की वीडियो को मैं अलविदा कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो जो जितने भी लोग यहाँ पे आने चाहते हैं फॉरन कंट्री में, अरब कंट्री में, गल्फ कंट्री में, वो लोग आए यहाँ पे। और बस मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि जब भी आप लोग कोच में आए, आप लोग अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माता पिता भाई बहन सबको रिस्पेक्ट कीजिए, कभी भी गाली वगैरह किसी को मत दीजिए। अगर गुस्सा होना है तो कभी थोड़ा थोड़ा हो सकते हो, लेकिन गुस्सा होने का रीजन भी होना चाहिए ना कि हम गुस्सा क्यों है। मान लेते अगर कोई कुछ गलती करता है तो गुस्सा होने का चांस है। अगर अपना गुस्सा किसी दूसरे को उतार रहे हो, ये भाई गुस्सा बहुत ही बुरा है, प्लीज यार आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे आते हैं भाई लोग काम करते हैं, फिर यहाँ पे कैसे कैसे करके वो लोग रोजी रोटी अपना बनाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे गुस्सा काम में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर गुस्सा वही घर पे उतारते। तो गाइस चलिए आज की वीडियो में ही पे अलविदा कहना चाहता हूँ। और आज मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, क्योंकि आज यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हो यार यहाँ पे मेरे बारिश यानी कि बारिश का पानी मेरे सर पर काफी ज्यादा है, क्योंकि मेरा रूम जो है ना छत पे है, और कभी कभी जब मैं बाहर जाता हूँ कुछ काम से तो पानी ऊपर आ जाता है। तो अभी मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा सर दर्द कर रहा है। तो चलिए मैं आज की वीडियो को यहीं पे अलविदा कहना चाहता हूँ। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को सभी लोगों को सभी प्यारे ऑडियंस को तहे दिल से शुक्रिया।